नमस्कार, मैं हूं दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं देश की बात। 2019 के महासंग्राम के 6 चरण पूरे हो चुके हैं, यानी चुनाव अब आखिरी दौर में पहुंच चुका है। विपक्ष हो या सत्तासीन एनडीए, दोनों खेमों की ओर से अपनी अपनी जीत के दावे हो रहे हैं, लेकिन नेताओं की बयानबाजियां चुनावी तापमान के साथ साथ चिंताएं भी बढ़ा रही है। 2019 के चुनावी संग्राम की जो राजनीति जनता के लोक लुभावन वादों से शुरू हुई थी, वो व्यक्तिगत टिप्पणियों और गालियों पर आकर टिक गई है। जैसे जैसे 23 मई यानी नतीजों का दिन आ रहा है, नेताओं की जुबान और खराब होती जा रही है। सबसे बड़े निशाने पर है प्रधानमंत्री मोदी। उनके लिए विपक्षी नेताओं ने जिस तरह की बयानबाजी की है, उससे यह साफ लग रहा है कि विपक्ष मुद्दों पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत आक्षेपों पर चुनाव लड़ने पर आमादा है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने प्रधानमंत्री मोदी की पत्नी को लेकर एक बेहद ही निजी टिप्पणी कर दी, जिस पर बीजेपी उनसे माफी की मांग कर रही है। लेकिन मायावती ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए यह बयान दिया कि किसी व्यक्ति को गाली तभी दी जाती है जब वो गाली खाने का काम करता है। यानी मायावती न सिर्फ अपने बयान को जस्टिफाई कर रही हैं, बल्कि गाली देने की मानसिकता को भी जस्टिफाई कर रही हैं। दूसरी तरफ विपक्ष है जो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर ही आरोप लगाता रहा है कि शुरुआत मोदी जी ने की, उनकी भाषा ही अभद्र रही है। अब सवाल यह है कि क्या 2019 का चुनाव मुद्दों पर नहीं, गालियों पर, व्यक्तिगत आक्षेपों पर लड़ा जाएगा? क्या राजनीति में शुचिता का स्तर इतना गिर गया है कि नेता खुलेआम एक दूसरे पर अभद्र टिप्पणियां करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं? ऐसी भाषा का इस्तेमाल करके क्या वाकई में नेताओं को वोट मिलते हैं? इन्हीं सब मुद्दों पर होगी देश की बात। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, मुद्दे को समझिए। वापस आएंगे तो मेहमानों का पैनल होगा, उनके साथ करेंगे आज देश की बात। चौकीदार नाला के कीड़ा है सब, दूसर भाषा बोलना चाहिए उसको। अच्छा, जलाद है, जलाद। मुझ तक नहीं पहुँच पाए तो आप मेरी छवि को कुचलना चाहते हैं। पाकिस्तान के बजाय मुझे गालियां देना शुरू कर दिया। जो चुनाव देश की 125 अरब आबादी का भविष्य तय करेगा, जो चुनाव देश की आन बान शान के लिए लड़ा जा रहा है, जो चुनाव दुनिया के पटल पर भारत के किरदार को तय करेगा, वो चुनाव आखिरी दौर में पहुंचते पहुंचते निजी हमलों पर अटक गया है। कभी दुर्योधन, कभी थप्पड़, कभी जल्लाद, तो कभी चौकीदार चोर है कनारा। विपक्ष के नेता पीएम मोदी पर मुद्दों पर पलटवार से ज्यादा निजी हमले कर रहे हैं। इसी बीच बीएसपी प्रमुख मायावती के एक बयान ने राजनीति में व्यक्तिगत हमलों की सियासत पर चर्चा को हवा दे दी है। अलवर गैंगरेप के बीच जारी जुबानी जंग के बीच मायावती ने पीएम मोदी और उनकी पत्नी को लेकर निहायत ही निजी टिप्पणी की है। किसी भी व्यक्ति को गाली तभी दी जाती है जब वह गाली खाने का काम करता है। हालांकि बीजेपी ने मायावती के इस बयान को उनकी हताशा करार दिया है। बीजेपी का कहना है कि विपक्षी नेताओं और मायावती को चुनाव में अपनी हार साफ नजर आ रही है, इसलिए ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो भी बातें कही वो देश हित में कही है, जनहित में कही है, लेकिन आप निजी स्वार्थों के तहत अब पर्सनल अटैक कर रही हैं आप। तो देश की जनता ये भी देख रही है कि कितनी ज्यादा विचलितता है कि किसी तरह से हम सत्ता में आ जाएं। तो ये विचलितता जो है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री पर वो हमला वो नहीं कर रही है, वो अलवर कांड का बचाव कर रही है। आप उसकी भाषा को देखिए ना आप लोग, और प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग रही है ना। उस पर सियासत जो लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो सियासत जो है वो बैड टेस्ट में है। आपत्तिजनक बयानों की कतार में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी शीर्ष पर खड़े हैं। पीएम मोदी ने दावा किया था कि कांग्रेस को इस बार 40 से भी कम सीटें मिल रही हैं। इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा कि अगर पीएम मोदी का यह आकलन गलत साबित हुआ तो क्या वो दिल्ली के विजय चौक में फांसी लगा लेंगे। इधर पीएम मोदी ने फिर दोहराया है कि विपक्ष उनके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल कर सिर्फ गाली पॉलिटिक्स के सहारे चुनाव जीतना चाहता है। मध्य प्रदेश के रतलाम में पीएम मोदी ने एक रैली में राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि नामदार अपने भाषण की शुरुआत ही गाली से करते हैं। मुझे पानी पी पी कर गालियां देने के बाद जब ये लोग मुझ तक नहीं पहुंच पाए
तो आप मेरी छवि को कुचलना चाहते हैं। उधर पश्चिम बंगाल में अलग राजनीति चल रही है। पीएम पर ममता बनर्जी के प्रहारों और टीएमसी पर चुनाव में हिंसा के आरोपों के बीच वहां बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को एक बार फिर रैली की इजाजत नहीं मिली। अमित शाह की जाधवपुर रैली को आखिरी वक्त में कैंसिल करना पड़ा। यही नहीं, ममता बनर्जी केंद्रीय बलों पर बीएसएफ की वर्दी में आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घुसने का आरोप लगा रही है। जबकि ममता बनर्जी से जुड़ा एक मीम पोस्ट करने पर पश्चिम बंगाल में एक युवा बीजेपी कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। बीजेपी राज्य में ममता बनर्जी पर तानाशाही का आरोप लगा रही है। कुल मिलाकर चुनाव का आखिरी चरण अब व्यक्तिगत आरोपों प्रत्यारोपों की बिसात पर लड़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी का दावा है कि अब तक पीएम मोदी के लिए 56 से ज्यादा बार गालियों का इस्तेमाल किया जा चुका है। जबकि विरोधी दल प्रधानमंत्री और बीजेपी पर विपक्ष के नेताओं पर पर्सनल अटैक के आरोप लगाते रहे हैं। प्रियंका ने पीएम की तुलना दुर्योधन से की तो राबड़ी देवी ने मोदी को जल्लाद कह डाला। ममता बनर्जी ने थप्पड़ मारने की बात कही तो राहुल गांधी तो चौकीदार चोर है का नारा लेकर प्रधानमंत्री पर लगातार हमला कर रहे हैं। ऐसे में मायावती और मल्लिकार्जुन खड़गे के बयानों और बंगाल में ममता दीदी के रुख से ये साफ है कि आने वाले दिनों में इस पर राजनीति तेज होने वाली है। सवाल है कि क्या 2019 की लड़ाई व्यक्तिगत हमलों के दम पर लड़ी जा रही है? क्या आखिरी चरण गालियों का रण बन चुका है? क्या बीजेपी का आरोप सही है कि विपक्ष हार की डर से व्यक्तिगत हमलों पर उतर आया है? इन्हीं सब मुद्दों पर होगी आज देश की बात। तो राजनीति में शुचिता का एक स्थान होता था। एक जमाने की राजनीति थी जिसमें शुचिता का हम अपेक्षा कर सकते थे राजनीतिक दलों से, लेकिन आजकल तो ऐसा लग रहा है कि इस तरह के शब्द, इस तरह के व्यक्तिगत आक्षेप, इस तरह की गालियों को एक्सेप्टेंस मिल गई है राजनीति में। लेकिन ये एक्सेप्टेंस किसने दी? नेताओं ने ही एक्सेप्टेंस दी आपस में, जनता की तरफ से कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिली है। यही आज हम सवाल उठा रहे हैं कि क्या राजनीतिक दलों को ये लगता है कि इस तरह से गालियां देकर, एक दूसरे पर व्यक्तिगत आरोप लगाकर, आक्षेप लगाकर, क्या उनको वोट मिल जाएंगे? अगर वो ऐसा सोचते हैं तो शायद गलत फहमी में है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ अब्दुल रजाक खान हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष भी रखते हैं, अनुभव चाक हैं, नेता हैं बीएसपी के। आपका दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, अनुभव और अब्दुल रजाक। हमारे साथ हैं अजय कुमार जो कि प्रवक्ता हैं एलजेपी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रबीर विश्वास हैं, नेता टीएमसी हैं, प्रबीर आपका भी स्वागत है। निनाद सेठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है निनाद जी। और हमारे साथ बीजेपी की ओर से गोपाल कृष्ण अग्रवाल भी जुड़ेंगे आपसे कुछ देर बाद। जब जुड़ेंगे तो उनका भी हम आपसे तारुफ कराएंगे। शुरुआत में निनाद सेठ आपसे करना चाहूंगा, सवाल यही है और सवाल इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों से पूछूं, सवाल देश की जनता से भी पूछ लेते हैं क्योंकि हम हमेशा अपनी चर्चा में अपने व्यूवर्स को भी जोड़ते हैं। और इसलिए कुछ सवाल हम यहाँ पूछेंगे अपने स्टूडियो से मेहमानों को, और कुछ सवाल हमने, एक सवाल जो है अपनी जनता के लिए भी छोड़ा हुआ है, उसे हम कहते हैं कड़क सवाल। कड़क सवाल आज का क्या है जरा देख लेते हैं। आज का कड़क सवाल है देश की जनता के लिए कि क्या प्रधानमंत्री पर निजी हमलों से विपक्ष को कोई फायदा होगा, क्योंकि इसमें राजनीति भी देखी जा रही है कि व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपों को जैसे हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या फायदा होगा इससे राजनीतिक रूप से। तो यही है सवाल हमारे व्यूअर्स के लिए, ये सवाल है। अगर आप फेसबुक यूज करते हैं @ZeeBusinessOnline पर जाएं, वहां पर यस या नो, हाँ या ना में अपना जवाब दें। और ट्विटर अगर यूज करते हैं आप तो @ZeeBusiness पर जाएं, यस या नो, हाँ या ना में अपना जवाब दें और आपकी इस राय को हम शामिल करेंगे अपने शो में। कोशिश करेंगे अगर वक्त रहा तो आपकी जो राय आ रही है, आप जो सोच रहे हैं, आपने जो नतीजा बताया है इस छोटे से पोल का कड़क सवाल के, उस पर लोगों की क्या राय है, हमारे मेहमानों की क्या राय है, उस पर विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं। और निनाद सेठ, जैसा मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाह रहा था, मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूं, ये जो गाली पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं और व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपों में पूरी राजनीति उलझ गई है, दोनों तरफ से सवाल उठ रहे हैं, एक पक्ष को नहीं कहा जा सकता, दोनों तरफ से ये आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, एक दूसरे पर पर्सनल आघात हो रहे हैं। क्या वाकई में इन पर्सनल अटैक से कुछ फायदा होता है? कुछ गालीपंथी जिसे हम कहेंगे, इस गालीपंथी से क्या वोट मिलते हैं नेताओं को? ये किस तरह की राजनीति है? दीपक जी, देखिए इसमें मेरे ख्याल से तीन महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि अगर आप इसका इतिहास देखें तो ये नई बात नहीं है कि प्रधानमंत्री पे इतनी गालियां हुई हैं, उनको मौत का सजा अगर भी कहा गया था जब वो
चीफ मिनिस्टर गुजरात थे, प्रधानमंत्री की पॉलिटिकल शैली जो है वो चुपचाप इन चीज़ों को लेने की नहीं है, वो भी पीछे नहीं हटते हैं जब उनकी बारी आती है, वो भी बोल सकते हैं एक दो शब्द। और एक और बात हम देखें, और दिलचस्प दूसरा पहलू जो मैं कहना चाहता हूं कि राजनीतिक तरीके से आपने पूछा फ़ायदा होता है कि नहीं, अगर हम पिछले कुछ इलेक्शन देखें तो मुझे तो नुकसान होता हुआ दिखाई देता है। ये तभी होता है जब किसी लीडर की पर्सनल अपील अच्छी होती है अपने वोटर के साथ, तो उसको इंसल्ट करना लोगों को अपनी इंसल्ट जैसा लगता है। अगर हम देखें तो गुजरात, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि गुजरात की हार का जिम्मेवार एक बहुत महत्वपूर्ण रूप से वो कमेंट थी जो कहा था मणिशंकर अय्यर ने कि ये नीच इंसान है। मेरे को लगता है कि ये अगर आखिरी चरण में ये ना हुआ होता तो शायद नतीजा कुछ और ही आता। इसी तरह से आप देखेंगे पंजाब में कि जिस तरह से उन्होंने कहा सैम पित्रोड़ा जी ने, जो हुआ सो हुआ, 4000 जिंदा जल गए तो जल गए। तो भाई अगर इस, मेरे को लगता है कि इसका फर्क आप पंजाब में देखेंगे मोटे तौर से। तीसरा महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा, शायद यहाँ पे हमारे को पैनलिस्ट अग्री करें या ना करें, 7 चरण का या 6 चरण का लंबा चुनाव की एक फटीग आती है, एक फटीग मतलब एक थकावट सी आती है, जहां मुद्दे आप कितनी बार एक मुद्दा बोलते रहोगे। यू नो, भारत ने जरा सीरियसली सोचना चाहिए कि ये 6-7 फेज तक रखना है या थोड़ा कम करना है। इंडोनेशिया जो दुनिया में 4th या 5th नंबर पे सबसे पॉपुलेटेड देश है, उसे एक दिन में चुनाव किया था। मुझको लगता है कि ये छोटी बात नहीं है, एक एक थकावट आती है, राजनीतिक थकावट, सामाजिक थकावट, जब 6-7 चरण में चुनाव होते तो मुद्दे थोड़ा पीछे जाते और झुंझलाहट आगे आते, गर्म गर्म देश। बिल्कुल सही आपने शब्द का इस्तेमाल किया, मुझे लगता है ये झुंझलाहट है, ये जो राजनीतिक झुंझलाहट है, एक दूसरे पर व्यक्तिगत आरोप लगाने की जो होड़ है, आपने बिल्कुल सही शायद इसको विश्लेषित किया कि जो लंबा चुनाव है इसकी थकावट है और वो थकावट अब झुंझलाहट में तब्दील हो गई है, इसलिए नेता इस तरह के बयानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अनुभव चाक, मैं आपसे शुरुआत करूंगा अब, क्योंकि आज जो हमने ये इस डिबेट को हमें करना पड़ रहा है वो मायावती जी के एक बयान के बाद इस तरह की डिबेट करनी पड़ रही है। मुझे याद नहीं है बीते कुछ वक्त में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मायावती जी के लिए कोई व्यक्तिगत टिप्पणी की हो, उन पर कोई आरोप लगाए हो इस तरह के, जो आज उन्हें प्रधानमंत्री की पत्नी को घसीटना पड़ा इस पूरे मसले में, उनकी पत्नी को लेकर अटैक करना। क्या आपको लगता है कि मायावती जी ने ये सही किया, इसका जस्टिफिकेशन कैसे देगी बीएसपी पार्टी, क्योंकि बीजेपी मायावती जी से अब माफी की मांग कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या मांग कर रही है उससे हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। ये बात आई किस संदर्भ में उस पर गौर करना जरूरी है। कल प्रधानमंत्री जी ने अलवर की घटना का जिक्र किया और उसके जिक्र के साथ साथ माननीय बहन जी का नाम उसमें इन्वॉल्व करा कि माननीय बहन जी अगर दलित हितैषी हैं तो उस सरकार से अपना समर्थन वापस क्यों नहीं लेती। तब माननीय बहन जी को ये ज़रूरत पड़ी कि हम तो महिलाओं की हित की बात करने वाली पार्टी है, हम तो, हमारी पार्टी ने एक एग्जांपल सेट करा, अगर हमारी पार्टी जब शासन था उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर अगर एक हमारे बलात्कारी विधायक का भी नाम आया था, बहन जी ने उसको जेल की सलाखों से भी पीछे भेजा, रासुका भी लगाई और आज भी वो सलाखों के पीछे सड़ रहा है। कोई बात ही नहीं करता जिसको बगैर तलाक दिए छोड़ दिया गया, जिसको जीवन यापन के लिए पॉलिटिकल आरोप आप पे लगा। उस ना अनुभव जी, क्या अनुभव जी, मेरी बात सुनिए, नहीं ये सच्चाई। देखिए, एक पॉलिटिकल आरोप आप पे लगता है। देखिए, आप एक बहुत सीनियर लीडर हैं बीएसपी के, मायावती जी भी देश की जानी मानी लीडर है, एक पॉलिटिकल आरोप लगता है मंच से कि आप अगर राजस्थान के अलवर में जो भी गैंगरेप हुआ, जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उसके बाद अगर आपने वहां की पार्टी को एक सपोर्ट दिया हुआ, उस पर सवाल उठना लाजमी है। अगर आप दलित होने का, दलित हितैषी होने का अगर आप दम भरते हैं तो आप पे पॉलिटिकल आक्षेप लगना, पॉलिटिकल आरोप लगना, बिल्कुल बिल्कुल ये सवाल उठेंगे और ये पॉलिटिकल बयान उठेंगे, लेकिन उसका जवाब इस तरह से व्यक्तिगत टिप्पणियों में देना, इस तरह से व्यक्तिगत प्रहार करके देना, क्या आपको लगता है सर कि आप लोग राजनीतिक सवाल का राजनीतिक जवाब नहीं दे पा रहे हैं इसलिए व्यक्तिगत हो रहे हैं?
नहीं, बिल्कुल राजनीतिक जवाब दे रहे हैं। इस बयान से भी ये जाहिर होता है कितने हम लोग महिला हितैषी हैं, जिस पीड़िता की बात कोई इसलिए नहीं करता क्योंकि वो मोदी जी की वाइफ हैं, उस पीड़िता की बात करने का भी साहस माननीय बहन जी ने करा। क्या उस पीड़िता को उसका संदर्भ भी तो होना चाहिए ना सर? नहीं है क्या उस सर दलित हितैषी होने के सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी की पत्नी पर? ना ना, दलित के साथ साथ वो महिला भी थी। सॉरी सर, वो महिला भी है। आप डिनायल के मोड में रहे। महिला भी है और दूसरा आप डिनायल के मोड में रहिए। बिल्कुल नहीं। और जो दूसरा अच्छा ठीक है दीपक जी, हाँ। जो महिला हितैषी करने की बात जो ये करते हैं, इनसे ही मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर उन्नाव में एक कांड हुआ था, रेप कांड, उसके ऊपर जो सीबीआई है, जो केंद्र सरकार के अधीनस्थ होती है, चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, लेकिन आज भी वो बलात्कारी विधायक किस लिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर बना हुआ है, उसको निकालने का साहस क्यों नहीं कर रहा है? ये महिला हितैषी होने की बात करते हैं, जब हम लोग उस पर आवाज उठाते हैं तब इनको दर्द होता है। एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूँ, ये आपने मुद्दे की बात कही प्रधान, ये आपने मुद्दे की बात कही कि अगर बीजेपी के किसी नेता पर बलात्कारी होने का अगर आरोप लगा है और उस पर अगर कार्रवाई नहीं होती है, आपकी बात जायज है, आपकी बात जायज है, आपकी बात, आपका सवाल जायज है, लेकिन एक राजनीतिक सवाल का व्यक्तिगत रूप में आक्षेप कर ये फिर ये बात तो फिर जस्टिफाइड नहीं हो पाई। एनीवे, मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, ये कह रहे हैं बीजेपी वाले कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी को इन्होंने जो घसीटा है वो एक राजनीतिक जवाब ही है इनकी तरफ से, क्योंकि महिलाओं की ये बात कर रहे हैं। क्या आपके गले उतरता है ये तर्क? क्या आपको लगता है कि ये जस्टिफिकेशन हो सकता है एक इतनी निजी टिप्पणी का? देखिए, जस्टिफिकेशन की बात छोड़िए, पहले तो हम चाहते हैं इनसे कि आप बात करो, पहले प्रधानमंत्री ने एक प्रश्न किया, अलवर में दलित महिला के साथ जिस तरह का घिनौना वहाँ पे अत्याचार हुआ, कांग्रेस की सरकार ने इलेक्शन के टाइम पे उसके लिए ना एफआईआर की ना एक्शन लिया, पहले तो ये बताएं कि क्या कांग्रेस के उस एक्शन के साथ ये जस्टिफाई, उसको जस्टिफाई करते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं कि नहीं? अगर ये कहते हैं हाँ तो फिर तो बात जो अलग है, ये कहते हैं नहीं तो फिर आज कांग्रेस की सरकार किसके सपोर्ट से चल रही है राजस्थान में? वो मायावती के। तो जो फैक्ट है वो फैक्ट ये है कि वहाँ पे दलित महिला के साथ घिनौना कृत्य हुआ, जिसको वहाँ की कांग्रेस स्टेट गवर्नमेंट ने छुपाया और उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया और मायावती दलित, जो अपने आप को दलित हितैषी कह रहे हैं, वह तो इसका तो जवाब नहीं है। ये कह रहे हैं कि आपने अपनी पत्नी को छोड़, अरे इससे इसका रिलेशन कैसे बना दिया? आप इस प्रश्न को अलग उठाइए, हम उसका अलग जवाब गोपाल भाई जरा उस पर भी बात बोल का तो जवाब सेंगर में बोलेंगे। नहीं नहीं, हम बोलेंगे, पहले आप इसका जवाब दीजिए ना, दूसरा इसका कोई जवाब है? एक मिनट, अनुभव पॉइंटेड सवाल है अनुभव जी मेरा, ये पॉइंटेड सवाल है, ये सवाल पॉइंटेड है, इसका जवाब भी मेरे ख्याल से आपको देना चाहिए। क्या वाकई में इस पूरे अलवर कांड के बाद क्या बीएसपी अपना सपोर्ट विड्रॉ करेगी? हाँ। क्या वो सरकार के साथ है, अपना सपोर्ट विड्रॉ करेगी, कोई एक्शन लेगी, कोई सवाल पूछेगी? गोपाल बहन जी ने तुरंत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, एक तो इस घटना की निंदा, दूसरा अगर समय रहते कार्रवाई नहीं करी तो जरूरत पड़ेगी समर्थन भी वापस लेंगे, लेकिन आरोपी तो समय तो निकल चुका है सर, आज की समय तो निकल चुका है। ना देखिए, जब संज्ञान में सर 6 हफ्ते तक इस मामले को दबाया गया, ये गंभीर आरोप है राज्य सरकार पर, इस पूरे जघन्य कांड को 6 हफ्ते तक राज्य सरकार ने दबा के रखा। बहन जी ने ये तक कहा कि सब समय जब प्रधानमंत्री ने कहा नागनाथ और सांप नाथ ही है प्रधानमंत्री, नहीं ठीक है, मुझे लगता है कि अभी ये जवाब नहीं आया अनुभव, ठीक है आप अभी और सोच लीजिए तो बताइए, ठीक है थोड़ा मैं आपको वक्त देता हूँ, ऑल राइट, मैं थोड़ा वक्त देता हूँ, बारे में बताइए वो भी सवाल पूछिए। ऑल राइट, अब्दुल रजाक खान, ये जो व्यक्तिगत टिप्पणियों की जो सियासत है इसमें हम जब जिक्र करेंगे तब तक कांग्रेस के बड़े लीडर्स का नाम आएगा, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इससे कोई डिनाय भी नहीं कर सकता है कि बीजेपी के नेताओं के बोल भी बहुत बिगड़े रहे हैं, लेकिन इस पूरे चुनाव में अगर देखा जाए तो बीजेपी के टॉप लीडरशिप से लेकर और जो दूसरे लीडर्स हैं उनकी तरफ से लगातार व्यक्तिगत टिप्पणियां, अनर्गल आरोप, इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, तो क्या यह माना जाए कि इस पूरे जो गाली पंथी वाली जो एक नई राह पकड़ी है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज ने, इसके सैंक्टम सेंटोरम में कहीं कांग्रेस है, इसके केंद्र में कहीं कांग्रेस है? दीपक जी देखिए, सबसे पहले ये सोचने वाली बात है कि आखिर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आज
इतना नीचे क्यों उतर गया है, क्यों आज आरोप प्रति आरोप पर हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखिए 2014 में ऐसा नहीं था, 2014 का चुनाव बिल्कुल मुद्दों पर लड़ा गया था, अच्छे दिन, काला धन, भ्रष्टाचार, महंगाई, रोजगार, किसान, विकास, स्वच्छता, कमन, बहुत सारे मुद्दे थे जो वादे किए गए थे, 175 के ऊपर वादे थे, उनमें से एक भी वादा बीजेपी पूरा ना कर पाई। तो आज इनकी दुविधा है कि आज आगे चलकर अगले 5 सालों के लिए ये कोई नया जुमला बोलने से रहे, इसी की वजह से कि पिछले 70 साल में क्या हुआ, सिर्फ यही बीते हुए कल के बारे में बोलना, विपक्ष के ऊपर अटैक करना। देखिए मैं पहले ये पूछना चाहता हूं कि इतना जो आज लेवल गिरा है, इसको गिराने में सीधा सीधे प्रधानमंत्री मोदी जी का हाथ है। जैसे ही उन्होंने कहा जर्सी काउ, हाइब्रिड बच्चा, मिलावटी सरकार, अरे खुद क्या मतलब सर, गालियों का जवाब गालियों से देंगे क्या? 52 गालियां पड़ चुकी हैं नरेंद्र मोदी को, अब तक उन्होंने एक लिस्ट निकाली है, बीजेपी नेता हर जगह बोल रहे हैं 52 से ज्यादा बार। मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं यहां पर, लेकिन आप बताइए, अगर आप पर अगर आप पे कोई टिप्पणी की गई है तो उसका जवाब गालियों से देंगे आप? क्या 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 इतनी कमजोर हो गई है कांग्रेस पार्टी की, आप मुद्दे नहीं रहे, आप गालियों पे उतर आए? स्टैंड क्लियर है, कांग्रेस पार्टी इस बार न्याय करेगी, ऑलरेडी देश की जनता ने अपना मैंडेट दे चुकी है, सिर्फ 51 सीट है जो भी अगले हफ्ते हो जाएंगे पूरे। बीजेपी की हालत आप राम माधव के स्टेटमेंट से निकाल लीजिए, राजनाथ सिंह जी के स्टेटमेंट से, पीयूष गोयल जी के स्टेटमेंट से, नितिन गडकरी जी के स्टेटमेंट से, कि बीजेपी अकेली सरकार नहीं बना पाई, हमको भी जरूरत है। आज क्यों मोदी जी सॉफ्ट स्टैंड ले रहे विपक्ष के ऊपर, क्योंकि उनको भी पता चल गया कि कहीं ना कहीं उनको भी आगे चलते विपक्ष की कुछ मिलावट की जरूरत है उनकी एनडीए के लिए भी। आप देख लीजिए इनके पास नंबर्स नहीं है, आप पहले 2 फेसेस, मेरा सवाल यही है, ठीक है, 7 फेसेस में पुलवामा, बालाकोट के इर्द गिर्द घूमते रहे, पाकिस्तान के इर्द गिर्द घूमते रहे, सुखा बैंक के इर्द गिर्द घूमते रहे। सर क्या अगर अगर प्रधानमंत्री अगर बीजेपी के या प्रधानमंत्री के इन मुद्दों के प्रहार का आपके पास कोई जवाब नहीं है, आप जनता की अदालत में जाइए ना, जनता के सामने अपनी बातें रखिए। मेरा सवाल सिर्फ ये, मेरा सवाल सिर्फ ये, क्या ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणियों से आपका काम बनेगा? आज मायावती जी ने जो कहा, कांग्रेस के नेता जो कहते आए हैं, कायर कहा, दुर्योधन कहा, जल्लाद कहा, आज मायावती जी ने उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी पत्नी को लेकर, जनता तो देख रही है ना सर, ऑलरेडी क्राइसिस की सिचुएशन है, आपके बिखराव से जनता ऑलरेडी कंफ्यूज्ड है कि हम विपक्ष में नेता किसको चुने, और ऐसे माहौल में आप इस तरह की टिप्पणी अगर देंगे तो फिर ये तो आपका स्टैंड जो है कमजोरी कर रहा है ना, मजबूत तो नहीं कर रहा है जनता के सामने। जब सवाल आता है दीपक जी तो उसका जवाब देना जरूरी हो जाता है। जिस मुंह से बीजेपी पूछ रही है अलवर रेप कांड के ऊपर, हमने 14 टीम्स बनाए, 28 अप्रैल को ये घटना घटी थी तो 2 मई को FIR रजिस्टर हुआ। 6 हफ्ते तक सरकार इसको दबा के, 6 हफ्ते तक सरकार ने ये मामला सामने नहीं आने दिया अलवर कांड का। पूछिए बिहार शेल्टर होम्स, मुजफ्फरनगर शेल्टर होम्स, 34। अब चारों तरफ से दबाव आप पे आया तो ठीक है, कार्रवाई तो आपको करनी ही होगी, आप सरकार में कार्रवाई तो करनी ही होगी, लेकिन 6 हफ्तों तक सरकार ने जो इस मुद्दे को दबाए रखा है उस पर तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा ना। खैर मैं आगे नहीं रखा है, ठीक है, टीम्स बनाए हैं 5-5 सर, वो तो दबाव में बनाना ही पड़ेगा सर, सरकार है आपकी, वो तो कार्रवाई करनी पड़ेगी, जस्टिस दिलाना ही पड़ेगा, उसके लिए तो आप बाध्य हैं, लेकिन सवाल होती है इंटेंशन की, इंटेंशन पहले दिन से आपका क्लियर होता तो इतना नहीं होता। ऑल राइट, ठीक है, ऊपर हो गया, क्या कर रहे हैं? ठीक है, ऑल राइट, ऑफिसर को बतला कर सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख रुपए जुर्माना लगाया। ठीक है मैं आऊंगा आपके पास, ठीक है अब्दुल भाई, आऊंगा आपके पास मैं। अब अजय कुमार आपके पास आना चाहता हूँ। अजय कुमार देखिए, सवालों की बौछार दोनों तरफ से है और इस पूरे सियासी समर में लोकतंत्र के इस महापर्व के दौरान अगर जुबानें फिसली हैं, गालियों का, अपशब्दों का प्रयोग अगर इधर से हुआ है तो उधर से हुआ है। सवाल यह होता है कि बीजेपी ने, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के सतपाल सत्ती का बयान हो, चाहे वो एक विधायक का बयान हो जिन्होंने राहुल गांधी की शक्ल नहीं मिलती उनकी दादी से इस तरह के बयान दिए, राहुल गांधी की माँ को भरे मंच से गाली दी गई, अब शब्दों के प्रयोग हर जगह से हुए हैं। सवाल यह उठता है कि आप तब सवाल उठाइए दूसरे पर जब आपका दामन पाक साफ हो। बीजेपी पर भी यही आरोप लग रहे हैं, बीजेपी के नेताओं पर भी यही आरोप लग रहे हैं कि आप लोगों ने भी राजनीतिक शुचिता को ताक पर रखकर व्यक्तिगत आरोप और गालियों की पॉलिटिक्स की है। दीपक जी देखिए, जहां तक
बात है वो राजनीतिक सूचिता की बात नहीं है। आज एक दलित महिला के सम्मान की बात उठी थी, उसके साथ जो अन्याय हुआ है उसको न्याय दिलाने की बात उठी थी, और उस बात को जो मुद्दा है उससे अलग हट करके इसको एक दूसरा रंग देने की जो कोशिश की गई है, तो वो कहीं ना कहीं मायावती जी पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि वो दलितों के साथ हैं या दलितों के खिलाफ हैं, वो दलित की राजनीति कर रही हैं या वो अपराधियों की राजनीति कर रही हैं। वैसे तो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बतौर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो मैं वो दिलास दिलाना चाहूँगा देश को कि ये वही दौर था जिस जमाने में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को और नेशनल वोमेन कमीशन को इनके पास गुहार लगानी पड़ी थी कि मोहतरमा वक्स दीजिए इस प्रदेश को, 30% राइज इन क्राइम, रेप क्राइम, नॉट क्राइम अगेंस्ट वोमेन, महिलाओं के खिलाफ नहीं, 30% तक क्राइम बलात्कार का लगा था, और उस पर इनका रिस्पॉन्स क्या था कि इन्होंने बलात्कारियों को तो खुली छूट दी थी और बलात्कार के जो लोग थे जो उसके शिकार हुए थे उनकी कीमत लगाई थी 25,000 रुपये मात्र, जो उस समय के डीजीपी महोदय हेलीकॉप्टर में जाते थे और जा करके उस दलित महिला को जो इस अपराध का, इस कुत्सित अपराध का, जघन्य अपराध का शिकार होती थी उसको 25,000 रुपया थमा करके आते थे। यही मायावती जी हैं जिन्होंने मुलायम सिंह यादव के आपके पास न्यायालय में जाने का काम किया था, जब उन्होंने इनको क्या कहा था वो शब्द में चैनल पे कह नहीं सकता। यही मायावती हैं जो रीता बहुगुणा जोशी को 14 दिन की कैद दिला दी थी इन्हीं तरह के सवाल पर, और आज राजनीति के लिए जब ये सत्ता से बेदखल हो रही हैं तो ये भूल गई कि न सिर्फ ये एक दलित हैं बल्कि एक ऑलराइट यानी कि आपका आरोप वो ये जो बीजेपी लगा रही है, ठीक है। हालांकि बहरहाल मेरा सवाल कुछ और था, महिला भी है नहीं, मेरा सवाल हालांकि कुछ और था, लेकिन आपका आरोप सीधा सीधा यही है जो बीजेपी कह रही है कि मायावती को हार का डर सता रहा है, इस तरह से वो व्यक्तिगत बयानों पर आ रही है। इससे पहले कि मैं प्रबीर के पास चलूं, आप अनुपम कुछ आप काउंटर करना चाहेंगे, आप जवाब देना चाह रहे थे, 30 सेकंड में प्लीज अपनी बात। देखिए अभी हमारे हाँ बिल्कुल हमारे भाई ने जो अभी इतने सारे आंकड़े बताए वो आंकड़ों की बात आप कर रहे हैं, हमने जो अभी मैंने अभी जो एक बात करी थी इसी सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार का बलात्कारी विधायक आज भी भारतीय जनता पार्टी में, ना भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी ने उसके बारे में कोई बात कही, ना हमारे सहयोगी साथी ने इस बारे में कोई बात करी। जब बिहार के अंदर शेल्टर हाउस कांड होता है उसके बारे में कोई जिक्र तक नहीं करा गया, और जो आप 30% बता रहे हैं बलात्कार घटनाओं में वृद्धि हो गई थी, साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि जो हमारी पार्टी के बड़े से बड़े नेता अगर किसी घटना में जरा सा भी इन्वॉल्व हुआ वो आज की तारीख में सलाखों के पीछे ऐसा फेंका गया है कि पिछले 7-8 साल से वो जेल से निकल तक नहीं पाए, जमानत तक उसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, ठीक है। आपने अपनी बात रखी अनुपम जी, आपने अपनी बात रखी, मैं थोड़ा सा मैं यहां पे क्लियर कर दूं, हम यहां पर इस सरकार बनान उस सरकार के क्राइम रेट्स बलात्कार के रेट्स पे बात नहीं कर रहे, ठीक है। आप रेफरेंस के तौर पर ला सकते हैं, आप रेफरेंस के तौर पर ला सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, जायज है, जब पॉलिटिकल डिबेट होगा तो उसमें हर तरह के आयाम पर बात होगी। लेकिन मेरा सवाल सीधा सीधा ये है, आप सब लोग जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग यहां पर बैठे हुए हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप जनता को मुद्दों की बजाय, विचारों की बजाय, विचारधारा की बजाय आप ये व्यक्तिगत आक्षेप और गालियों पर और निजी टिप्पणियों पर बात क्यों करते हैं, मेरा सवाल यही है, डिबेट का आज का टॉपिक भी यही है। प्रबीर के पास मैं चलूंगा, प्रबीर मेरा सवाल आपसे वही रहेगा, मैं उन बयानों पर नहीं पढ़ूंगा जो ममता दीदी ने जो बयान दिए हैं, लेकिन सवाल यही है कि मेरे को जो सवाल मैंने अनुपम जी से पूछा था कि मेरे को अभी हालिया में बिल्कुल भी याद नहीं आता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरह के बयानों का, इस तरह के शब्दों का उपयोग ममता दीदी के लिए किया हो, किसी पॉलिटिकल बात को रखने के लिए व्यक्तिगत आरोपों तक वो आए हों, तो फिर ममता दीदी को इतनी उनकी बातों में इतनी नफरत, इतनी चिढ़ क्यों झलकती है? दीपक जी हम शायद मुद्दे से भटक रहे हैं, हम अलवर मायावती जी के अंदर रह चुके हैं, हमें थोड़ा ये गाली का इतिहास जानना है। गाली गलौज का इतिहास आज नहीं है, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे तब वामपंथियों ने इंदिरा गांधी को डाइन बोला था,
नरेंद्र मोदी खुद राहुल गांधी को पप्पू बोले थे, गली गली में शोर है राजीव गांधी चोर है, ये नारा भी लगा हुआ था। तो ये गाली गलौज का इतिहास ये नहीं है, ये काफी सालों से चल रहा है, हम इससे निकल नहीं पा रहे। और मुश्किल क्या है, देखिए यहाँ बंगाल में आके अमित शाह जी ने एक बीजेपी का सबसे बड़ा दल का जो प्रेसिडेंट है सभापति जी आके बोल रहे हैं बंगाली कंगाली है, तो ये क्या गाली नहीं है? किस शब्द को आप तो गाली क्या, मानेंगे? क्या उनका क्या गालियों का जवाब गालियों से मिलेगा दीपक जी? क्या भद्र प्रदेश की जनता या वहां के नेता गालियों का जवाब गालियों से देते हैं प्रबीर भाई? मैं बोल रहा हूँ आपका, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को बोलने का जरा मौका दीजिए। प्रधानमंत्री जी आके बंगाल में आके बोलते हैं दीदी आपका तो बचना मुश्किल है, ये गालियों का जवाब गालियों से नहीं होता। ये कौन सी गाली होगी प्रवीण भाई? जिस बात के ये राजनीतिक बयानबाजी है, राजनीतिक बयान चलते हैं, ये धमकी, ये गाली नहीं है। हाँ। ये राजनीतिक बयान नहीं है। हाँ। दीपक जी ये धमकी है, किसी को बचना मुश्किल है ये धमकी है, ये गाली नहीं है। लेकिन राजनीतिक मंचों से इस तरह की गर्मा गर्मी देखने को मिलती है, पॉलिटिकल मंचों से इस तरह की गर्मा गर्मी देखने को मिलती है। आपके नेताओं की तरफ से भी होगा कि हम सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे, ठीक है, मान रहा हूँ। हाँ। आपका बात अगर मैं सही मान लूं दीपक जी। हाँ। कि राजनीतिक मंच में ऐसा बात होता है। हाँ। तो राजनीतिक मंच पे ये बात भी हो सकता है कि गणतंत्र का तमाचा मारूंगी। हाँ। गणतंत्र का तमाचा, सिर्फ तमाचा नहीं। हाँ। गणतंत्र का तमाचा, जो तमाचा बटन में ईवीएम बटन में दिया जाता है, वो बात बोलना भी गलत नहीं है। लेकिन ये गाली गलौज का सिलसिला नरेंद्र मोदी जी ने पिछले इलेक्शन से चालू किए। नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी को हाइब्रिड बच्चा कहा, नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी को पप्पू कहा, ये सब आपको देखना पड़ेगा। ये गाली गलौज का सिलसिला पांच साल पहले शुरू हुआ। हाँ। उसके पहले भी था, इसके पहले भी था। लेकिन आप पर आरोप ये भी है, आप पर आरोप ये भी है कि आप व्यक्तिगत, क्योंकि बहुत ज्यादा आपने चुनाव को ममता दीदी ने बहुत व्यक्तिगत स्तर पर ले लिया, बहुत व्यक्तिगत ले लिया है, इसीलिए उनका रिफ्लेक्शन जो है वो प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, जो बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं उनको रैली नहीं करने देना, उनको उनके हेलीकॉप्टर्स नहीं उतारना। नहीं, और अगर कोई एक पार्टी के कार्यकर्ता एक छोटा सा मीम अगर किसी ने पोस्ट कर दिया तो उसको जेल में डाल देना। तो अभिव्यक्ति की आजादी पर आघात ममता बनर्जी की सरकार कर रही है, लोकतंत्र की हत्या सरकार वहां पर कर रही है, ये भी आप पे आरोप लग रहे हैं फिर, और ये सब हो रहा है कि व्यक्तिगत खुन्नस में। दीपक जी जब कोई देश का प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो उनका व्यक्तिगत बोल के कुछ नहीं रहता, उनका हर एक चीज आपका आईने के सामने आ जाता है, देशवासी के सामने आ जाती है। एक प्रधानमंत्री, एक लीडर एग्जाम्पल खड़ा करते हैं। जो एग्जाम्पल अपने प्रधानमंत्री जी ने खड़ा किया वो तारीफ करने लायक है ही नहीं, क्योंकि हम अगर पर्सनल लाइफ में गलत होंगे तो हम देशवासी का भला क्या करेंगे, भला नहीं कर सकते ना हम। तो पर्सनल लाइफ भी उनका साफ सुथरा होना चाहिए। ऑलराइट, प्रधानमंत्री का डिग्री का पता, गोपाल कृष्ण आपको जवाब देना चाहेंगे, आपको जवाब देना चाहेंगे वहां पर प्रधानमंत्री। हाँ। जो पश्चिम बंगाल में केवल शब्दों का ही नहीं वॉयलेंस है, वहां तो फिजिकल वॉयलेंस भी कर रहे हैं, वहां मार रहे हैं हमारे लोगों को, हत्याएं कर रहे हैं, बूथ में जाने नहीं दे रहे, उनकी गाड़ियों पे पत्थर फेंक रहे हैं, उनकी हत्याएं खुल के कर रहे हैं, उनको अरेस्ट कर रहे हैं, और केवल भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं है, एक तरफा नहीं, जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तक को उन्होंने केस किया हुआ है। सुन लीजिए, आपको मैंने सुना, सुनना चाहिए, अगर आप पेशेंस नहीं है प्रत्याशी, मैंने आपको पूरी तरह सुना। प्रबीर भाई सुन लीजिए ना, प्रबीर सुन लीजिए ना, आपको प्रबीर सुन तो लीजिए, आपको प्रबीर बात तो पूरी करने ले दीजिए, सुन तो लीजिए, कृष्ण जी का ये फायदा होगा। नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ गोपाल कृष्ण जी, इसमें आपका फायदा होगा। नहीं नहीं, हमें फायदा नहीं चाहिए, बोल रहा हूँ फायदे और नुकसान का बाद में सोचेंगे, पर इनको बोलने तो दीजिए। देखिए, अगर आप बोलने नहीं देंगे तो ये जनता का नुकसान हो रहा है। सेकंड का एक शब्द तो सुन लीजिए, सुनिए ना, बोलने नहीं देंगे तो जनता का नुकसान हो रहा है ना। सेकंड का एक शब्द बोलना चाहता हूँ प्रबीर भाई, गोपाल प्रबीर भाई सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए प्रबीर जी, बाद में बोलिएगा। अरे प्रबीर जी सुन तो लीजिए, यही तो दिक्कत है, सुना, यही तो दिक्कत है, आप बोलने नहीं देते, आप सुनना भी नहीं चाहते। चलिए बोलिए 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 बोलिए, देखिए बोलिए, लेकिन मुझे यह जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वह केवल शब्दों की हिंसा नहीं हो रही, वह तो पूरी तरह से फिजिकल हिंसा पे उतारू हैं। आप सीआरपीएफ के लोगों पे अटैक कर रहे हैं, हमारे कैंडिडेट पे अटैक कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रहे हैं, उनके ऊपर सेडेशन के जैसे चीजों पे छोटे छोटे सोशल मीडिया में डर फैला रहे हैं,
तो आप पूरी तरह से, और यह केवल कार्यकर्ताओं का ही नहीं है, जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की भी आज स्टेटमेंट देख लीजिए। एक साल पहले उन्होंने एक कैरिकेचर बनाया ममता, आदरणीय महान ममता जी का, और आपने किस तरह से कहा, आज अमित शाह जी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दे रहे। तो आप अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, और फिर कहते हो कि प्रजातंत्र खतरे में। आज सबसे ज्यादा अगर कहीं खतरे में प्रजातंत्र है, ठीक है, तो वह पश्चिम बंगाल। ओके, फटाफट 30 सेकंड में प्रवीर अपनी बात रखिए, मुझे ब्रेक पर जाना है। ठीक है गोपाल जी, गोपाल जी अब सुन लेते हैं इनका जवाब। बस मैं दीपक जी बस 30 सेकंड लूंगा, बस 30 सेकंड लूंगा। देखिए ये जो बोल रहे हैं, ये संघर्ष एक तरफा तो होता नहीं है। इनके प्रत्याशी भारती घोष बोल रहे हैं कुत्तों जैसा मारूंगी, 1000 लड़के उत्तर प्रदेश से लाके घुस घुस के मारूंगी, ये सब बयानबाजी ठीक नहीं है। और ये रहा आपका सेंट्रल फोर्स के बारे में, सेंट्रल फोर्स हमारे प्रत्याशी, देखिए आप मेरे को बोलने नहीं दे रहे। गोपाल जी, गोपाल जी सुन लीजिए, हमारे प्रत्याशी अमित शाह जी को क्यों उतरने दिया हेलीकॉप्टर? ये अमित शाह जी का हेलीकॉप्टर क्यों उतरने दिया? इलेक्शन कमीशनर का निर्णय नहीं, वो अपने हाथ में नहीं है, इलेक्शन कमीशन से पूछिए। अभी पूरा प्रशासन इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, इलेक्शन कमीशन उधर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा। क्या बात और कर रहे हैं आप जो बोल रहे हैं, जादवपुर लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। दादा आप खबर लीजिए, भाई साहब पहले आप खबर लीजिए, इलेक्शन के समय लॉ एंड ऑर्डर जो भी है, पुलिस प्रशासन सब इलेक्शन कमीशन के हाथ में होते हैं, आपको पता नहीं है, आप समझ लीजिए। और जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में जरा एक सेकंड बोल लूं, जादवपुर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर को हमने जेल में दिया, सही बात है, लेकिन महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री का मीम बनाने के लिए आप भी जेल में घुसाए हो, ये नई बात नहीं है। और मैं निनाद सेठ अब आपके पास आना चाहूंगा, जो हम जो बुनियादी सवाल उठा रहे हैं, हमने फर्स्ट राउंड में हमने देखा कि आरोप प्रत्यारोप से कोई पीछे हट नहीं रहा है, और मुझे लगता है कि अभी आखिरी चरण का मतदान बाकी है, उससे पहले कहीं इससे ज्यादा गर्मा गर्मी, इससे ज्यादा तलखी ना देखने को मिले। लेकिन लबोलुआब अगर निकाला जाए इस पूरी डिबेट का, इस पूरे जिस्ट का, तो वो है राजनीतिक नफा नुकसान। इन बयानों से जो खासकर विपक्ष की ओर से आए हैं, क्या उन बयानों से विपक्ष को कोई आप नुकसान या नफे की बात आप समझ पाए हैं, उनको फायदा होगा इससे या बैकफायर करेंगे जनता की अदालत में ये तमाम मुद्दे उन पर? जनता इस तरह की बातें अगर हिस्टोरिक ट्रेंड देखें तो पसंद नहीं करती है, परंतु मैं ये जरूर कहूंगा कि यहाँ दो चीज़ें देखने लायक है। पहली बात यह है कि राजनीतिक सहिष्णुता कम हो रही है भारतीय राजनीति में, भारतीय पब्लिक डिस्कोर्स में। ये एक नई और मेरे ख्याल से, क्योंकि भारत की मिसाल दी जाती है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, एक खतरनाक डेवलपमेंट है। अगर आप देखें तो पूरा ऑपोजिशन गैंगअप हुआ है, एक महागठबंधन बना है नरेंद्र मोदी के को लड़ने के लिए। उस लड़ाई में अगर आप डिटेल्स में जाएं तो एक कड़वाहट जो आई है, जो पहले कड़वाहट राजनीतिक स्तर पे रहती थी, वो अब व्यक्तिगत स्तर पे बढ़ी है। वोटों में अगर देखें, जैसे मैंने कहा था कि गुजरात में नुकसान हुआ है, आप देखेंगे कि गारंटी से दिल्ली और पंजाब में नुकसान होगा, सैम पित्रोदा की टिप्पणी का। जहाँ तक वोट में बात है, देखिए वोटर इतनी जल्दी इतनी छोटी बातों पर अपना माइंड नहीं बदलता, पर हम अगर देखें तो हम एक सामाजिक दौर में रह रहे हैं, सोशल मीडिया के दौर में रह रहे हैं, और एक एक ध्रुवीकरण के दौर में रह रहे हैं, जहाँ जहाँ अगर आप मेरे साथ नहीं है तो आप मेरे अगेंस्ट है, इफ यू आर नॉट विथ मी यू आर अगेंस्ट मी, बीच में कोई ग्राउंड नहीं है। और ये एक सामाजिक जो सच है वो मुझे लगता है कि राजनीतिक भाषा में भी हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसको रोकने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो कोई बड़प्पन दिखाए, स्टेट्समैनशिप करे, और इसमें दोनों तरफ से हो सकती है, हो सकता है प्रधानमंत्री को दिखाना पड़े, हो सकता है ऑपोजिशन को दिखाना पड़े, और या वो जब वोट पड़ेंगे तो उन्हें समझ आएगी कि भाई इससे तो हमारी वोट में नुकसान हो रहा है और हमें इसे टोन डाउन करना है। दोनों तरफ से मुझे लगता है एक विकल्प निकल सकता है, क्योंकि भारतीय वोटर जो है वो, मैं आपको बता दूं, इस तरह की गाली गलौज को पसंद नहीं करता। बिल्कुल। और व्यक्तिगत आक्षेपों पर क्या राय है अनुपम, आपको क्या लगता है कि आपने जो मायावती जी ने जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी का जो जिक्र छेड़ा है, क्या ये कोई मुद्दा है? क्योंकि आपके पास एक बहुत अच्छा मौका था और मौका अच्छा अभी है भी, अभी 59 सीट्स पर चुनाव होने हैं, उसमें यूपी की सीट्स भी हैं। एक अच्छा मौका है कि आप मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएं, अपने नैरेटिव सेट करें, विपक्ष को घेरें, लेकिन आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी को ये इस देश की जनता या उन पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी को इस देश की जनता मुद्दे के तौर पर मानेगी?
देखिए, सबसे पहले इस बात को समझना भी जरूरी है जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि देश ये पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री देख रहा है जो खुद बिलो द बेल्ट वार करता रहा है, प्रधानमंत्री की पद की गरिमा को तार तार करके जिसने रख दिया, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद जो शमशान और कब्रिस्तान की बात करता है, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद देश को ध्रुवीकरण कराने की बात करता है, जो प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठ के अपनी जाति बताने का काम करता है, ये पहली बार इस देश के अंदर हो रहा है। इस देश के अंदर एक प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि जिसको डिफेंस के बारे में, जिस पीएम की जाति के बारे में तो आप ही बात करते हैं, वो ये ना ना, प्रधानमंत्री ने बिहार में जाके कहा कि मैं पिछली जाति का हूं इसलिए विपक्ष हमारे ऊपर अटैक करता है। उसके बाद ये जरूरी हुआ कि देश के जनता को बताया जाए कि इनकी हकीकत क्या है। हर जगह झूठ बोला, झूठ के जवाब में सच लाने का काम, ये विपक्ष की जिम्मेदारी भी बनती है और हमें खुशी है कि हम इस जिम्मेदारी को पूरी बखूबी निभाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बोला कि वो जन्म से पिछड़े नहीं, तो क्या विपक्ष शांत? ये आपका तर्क था? हाँ, तो बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है ये। सच को क्या बताया ना जाए, क्या प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी है गुजरात में? आप लिस्ट निकालिए, आप लिस्ट चेक करिए, आप अब की बात कर रहे हैं, मोदी ओबीसी है। किस सन में जोड़ा गया है? जन्म से बात हो रही, जन्म से जिस समय मोदी जी पैदा हुए थे उस समय गुजरात के अंदर इनकी जाति पिछली जाति में नहीं थी, आप इतिहास उठा के पढ़ लीजिए, ठीक है। तो जब प्रधानमंत्री जी ऐसी बात करते हैं, प्रधानमंत्री एक महिला को जर्सी गाय बोल दे, प्रधानमंत्री हाइब्रिड बोल दे, प्रधानमंत्री मेरा सवाल यही है वहां से आपके ऊपर कितने भी आरोपों की बौछार हो, क्या आप राजनीतिक शुचिता भूल जाएंगे? मेरा सवाल यही है, मैं तो आपसे सवाल पूछूंगा ना, उन्होंने क्या किया मैं उनसे पूछ रहा हूँ, गोपाल कृष्ण अग्रवाल से मैंने पूछा, अजय कुमार से मैंने पूछा, मेरा सवाल आपसे, क्या गाली का जवाब गाली है, क्या राजनीतिक शुचिता को ताक पर रखने का जवाब राजनीतिक शुचिता को ताक पर रखना है? दीपक भाई, हम लोग तो विपक्षी पार्टी हैं, एक व्यक्ति जो संवैधानिक पद पे बैठा, देश नहीं, आप विपक्षी पार्टी हैं तो इससे आपको कोई इम्यूनिटी तो नहीं मिल जाती ना कि आप उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे उसको? क्या नहीं, इससे उसको क्या यह शोभा देता? क्या मतलब हम विपक्ष, कुछ विपक्ष लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ होता है विपक्ष। दीपक जी, विपक्ष होने का मतलब यह नहीं है कि आप जो मर्जी है कुछ बोल देंगे, जनता को बहकाना ना दीपक जी, जनता को बहकाने का प्रयास अगर वो करेंगे तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जनता को सच्चाई बताएं, उस काम को हम लोग बखूबी कर रहे हैं। अनुपम भाई, किस स्तर तक गिर के अनुपम भाई, अनुपम भाई, आज मायावती जी ने इस बयान के बाद एक और बयान दिया है, मुझे उस पर, उस बयान पर भी आपसे जवाब लेना है। मायावती जी ने ठीक है व्यक्तिगत टिप्पणियां करी, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को उठाया कि विपक्ष मुझे गाली देता है, ठीक है, आपके तर्क हो सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने हमें ये बोला, हमें ये बोला और उसके जवाब में हमारी है, पहले बात तो ये तर्क नहीं है, गाली का तर्क अगर गाली नहीं हो सकता, नंबर वन। नंबर टू, आज मायावती जी कह रही है कि गाली खाने का काम वो आदमी करता है जो जिसके काम ऐसे हो, क्या आप गाली देने को राजनीतिक मंच से जस्टिफाई कर रहे हैं कि गाली देना सही है? क्या आप जस्टिफाई कर रहे हैं गाली देने की मानसिकता को, गाली देने की प्रवृत्ति को? ये शुरुआत का हम लोग जो कहना चाह रहे हैं वो सुनना भी तो जरूरी है। अगर इनकी पार्टी के मंत्री नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि गाली वही आदमी खाता है जिसके काम ऐसे? ना ना ना, ये गाली देना सही है क्या? इसका मतलब गाली देने की प्रवृत्ति पे आप थप्पा लगा रहे हैं? मंत्री अगर ये कहे कि गाड़ी के नीचे तो कुत्ते आते रहते हैं, हमारी पार्टी के या विपक्षी दलों को जानवरों का गठबंधन कहा जाए, महामिलावट का गठबंधन कहा जाए, ये शोभा देता है? जो भ्रष्टाचारी बता देते हैं, तो अगर हम भ्रष्टाचारी हैं तो आपकी सरकार चल रही है, जेल गोपाल कृष्ण अग्रवाल, किसने रोका आपको? गोपाल कृष्ण अग्रवाल बार बार ये आप ही पर आरोप लगाते हैं, भ्रष्टाचारियों का गठबंधन, भ्रष्टाचारियों का, ठीक है अनुपम जी, आपकी बात, आपने बोला गोपाल कृष्ण अग्रवाल, ये बार बार यही तर्क मिलता है विपक्ष की ओर से कि शुरुआत तो प्रधानमंत्री जी ने करी, शुरुआत तो बीजेपी के लीडर्स ने करी और तब हमारी जुबान खराब हो रही। देखिए, यह बिल्कुल बिल्कुल गलत है। मौत का सौदागर और क्या 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 नहीं कहा प्रधानमंत्री को, नीच जाति का तक शब्द प्रयोग किया और रफेल में झूठ के बाद झूठ के बाद झूठ, जिस तरह से चौकीदार के ऊपर बातें करी, और आज अगर कांग्रेस और बसपा और सपा, जिन लोगों ने प्रधान ममता बनर्जी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानती, प्रजातंत्र में इससे बड़ी और क्या स्टेटमेंट होगी? प्रजातंत्र की हर जनता को ये गाली है कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू इलेक्टेड प्रधानमंत्री जनता ने अपने लीडरशिप की तरह इलेक्ट किया, उसको आप कह रहे हो अपने व्यक्तिगत लाइक डिसलाइक पे, वो प्रधानमंत्री से पहले मोदी जी मनमोहन सिंह के लिए क्या सब यूज करते थे,
मनमोहन सिंह भी उस दिन उस समय प्रधानमंत्री थे जब उसको कहा जाता था कि ये रेनकोट पहन के नहाते हैं, ये पाकिस्तान को लव लेटर लिखते हैं, इस तरीके की भाषा और किस किस तरीके की भाषा यूज करते थे। और अभी जो एक बात प्रधानमंत्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल, गोपाल कृष्ण अग्रवाल बता देना चाहता हूँ, गोपाल कृष्ण अग्रवाल आप इस बात का जवाब भी जरूर दीजिए। अखिलेश यादव की परमिशन देने के बाद भी कैंसिल करी गई है, उसमें भी सवाल उठाइए। कानपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नेता सीधे सीधे सीओ को धमकी दे रहा था, तुझे इलेक्शन के बाद देख लूंगा, उस पर भी आप सवाल उठाइए। कल की तारीख में वोटिंग के दौरान दरोगा को मारते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता की फोटो छपी उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या कार्रवाई है उसके ऊपर? अनुभव जी, अनुभव जी, अनुभव जी, अनुभव जी, अनुभव जी, एक मिनट, एक मिनट, गोपाल कृष्ण अग्रवाल से सवाल जवाब ले लीजिए। अग्रवाल जी, आपको देखिए बीजेपी को ये इस बात का जवाब देना होगा, जो जो व्यक्तिगत आरोप आप लोगों ने लगाए हैं अग्रवाल जी, आपको उनका जवाब तो देना होगा। क्या हुआ है देखिए, जवाब ही दे रहे हैं, गालियां ये कह रहे हैं, मौत का सौदागर और नीच जाति का झूठा चाय वाला का, क्या कहा मनीष शंकर अय्यर ने कि मेरा कांग्रेस अधिवेशन में बाहर चाय की दुकान लगाने के लिए दे देंगे, उसकी सजा दी ना जनता ने, मतलब आप गोपाल जी उसकी सजा दी ना जनता ने, तो बिल्कुल यही लेकिन, तो हम कह रहे लेकिन आपने तो आपने तो आपने सतपाल सिंह सत्ती जो कि प्रदेश अध्यक्ष है हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने राहुल गांधी को माँ की गाली दी, क्या आपने उन पर कोई कार्रवाई की? सर हाजीपुर से बीजेपी के अवधेश सिंह ने राहुल के रेस पर सवाल उठाए, उनकी पैदाइश पर सवाल उठाए, आपने कोई हमारे कोई उन पे कोई कार्रवाई की आपने? राष्ट्रीय नेतृत्व ने या कोई प्रवक्ता ने या कोई राष्ट्रीय नेतृत्व ने किसी के अगेंस्ट कुछ कहा है? आज तक ममता जी को पर्सनली किसी ने कहा है? अरे आपकी मंत्री के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में, ठीक है आगे आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, मैं समझ गया, ठीक है। नहीं गोपाल जी, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे, ये नहीं, ये गोपाल जी, ये जब जब आप आरोपों के साथ आएंगे विपक्ष पर, आप पर भी चींटे लगेंगे, क्योंकि आप लोगों ने भी कोई लगाम नहीं कसी अपने राजनेताओं पर। ये बात बिल्कुल जायज है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसीलिए आप पे भी इसीलिए इस पूरी छींटाकशी में आपके दामन पर भी सवाल उठेंगे। बहरहाल मैं अब्दुल रजाक के पास जाना चाहूंगा। अब्दुल रजाक, लेकिन राजीव गांधी को हम मिस्टर क्लीन कहोगे आप, तो हम बताएंगे कि भ्रष्टाचारी नंबर एक है, क्योंकि वह केवल इसी बात पे नहीं है कि वह उनके नाम पे वोट ले रहे हो। ठीक है, ओके, अब्दुल रजाक, लेकिन अब्दुल रजाक, लेकिन अब्दुल रजाक, अब्दुल रजाक, लेकिन अब्दुल रजाक, लेकिन अब्दुल रजाक, प्रधानमंत्री को चोर कह देना, प्रधानमंत्री को दुर्योधन कह देना, प्रधानमंत्री को क्या क्या किस किस तरह की टिप्पणियां कह देना, इससे क्या आपको लगता है कि जनता की अदालत में शब्द कहे हैं, क्या क्या आपको लगता है कि इससे आपको वोट मिलेगा? क्या आप इतनी गलतफहमी में कि इस तरह की टिप्पणियों से आपको वोट मिलेंगे? क्या आप लोग इतनी गलतफहमी में, इतने पॉलिटिकल इमैच्योरिटी है आप लोगों में इनका? दीपक जी, 6 चरणों का चुनाव हो चुका है, अभी 1 चरण बाकी है, जो आज भी 62% जनसंख्या बीजेपी एक म्युनिसिपैलिटी का चुनाव भी नहीं जीत पाई है। मार्च 2018 से लेकर आज तक फूलपुर, गोरखपुर, कैराना हारी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हारी, कर्नाटक जैसा बड़ा प्रदेश हारी, ये सब क्यों हुआ? देखिए 2014 में जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। आज जितनी चतुराई से, जितनी चालबाजी से इन लोगों ने असल मुद्दों से छुपने के लिए हाइड एंड सीक का ये जो खेल खेल रहे ना, जो पुलवामा के हमारे शहीदों के बलिदान पर वोट मांगना, अरे विपक्ष का काम तो सवाल पूछना होता है, लोकतंत्र में विपक्ष ने तो और कौन सवाल पूछेगा? विपक्ष के सवाल उठाइए ना, गालियां क्यों देते हैं? सवाल उठाइए, गालियां क्यों देते हैं? सवाल उठाइए ना, गालियां क्यों देते हैं? मुद्दा जब हमने राष्ट्रीय सुरक्षा का उठाया, पाकिस्तान, हमने राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाया, ठीक है, अजय कुमार, ठीक है, अजय कुमार, जब हमने भ्रष्टाचार का, अजय कुमार, ऑल राइट, अजय कुमार, मुद्दा उठाइए फिर ना, फिर गालियां क्यों देते हैं? सुरक्षा का मुद्दे पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, मुद्दे का जवाब गाली तो नहीं हो सकता, मुद्दे का जवाब गाली तो नहीं हो सकता। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हिंदू इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सवाल, अजय कुमार बोलेंगे, आई एम सॉरी, अजय कुमार, अजय कुमार, मायावती जी अगर ईमानदार हैं, इस पे अगर वो दलितों के साथ हैं तो कांग्रेस से समर्थन वापस करें। दूसरी बात, इसके सीबीआई जांच की मांग का वो विरोध क्यों कर रही हैं? वो आए सीबीआई जांच के मांग का समर्थन करें।
और मैं अक्सर चेतावनी के तौर पे अपने इन विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं, बुझ जाते हैं दिए अक्सर अपनी गलतियों से, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। तो दोस्तों 23 मई आ गई है, आपके पास मुद्दे नहीं हैं, हताशा में आप अपना होशो हवास गुम न करें, इस देश में और भी चुनाव आएंगे, उसकी तैयारी करें, अभी तो आपके चला चली का बेला है, ठीक है। आपको हमारी तरफ से हौसला अफजाई है, होश न खोएं, ये लोकतंत्र है। प्रबीर जो बीजेपी आरोप लगाती है, क्या 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 ममता दीदी का बॉडी लैंग्वेज, क्या ममता दीदी की जुबान, क्या उनके जो तीखे बोल हैं, वो क्या उनकी संभावित हार को लेकर सामने आ रही फ्रस्ट्रेशन है, ये आप पर आरोप लगते हैं, क्या कहेंगे आप इस पर, क्या वाकई में ये हार की फ्रस्ट्रेशन है? दीपक जी, ये नहीं, जब से ये अपने सोशल मीडिया का दबदबा चालू हुआ देश में, तब से ये ध्रुवीकरण चालू हो गया। कोई भी विपक्ष के आदमी कोई भी आवाज उठाता है, उनको पाकिस्तान भेजा जा रहा है। तो ये दलदल में अपने प्रधानमंत्री जी भी फंस गए, अपने शासक दल भी फंस गए, और मैं तो कहूंगा विरोधी भी फंस गए। ये इस दलदल से हमें निकलना पड़ेगा। जो सोशल मीडिया में कहा जाता है वो बात मंच पे नहीं बोला जाता है। बंगाल में आके बंगालियों को कंगाली बोलना ये गलत है। ये सरासर बंगालियों को अपमान करना है। आज के डेट में प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं आसमान में बादल है इसीलिए रेडर में पकड़ा नहीं जाएगा, इस बात के संदर्भ में मैं अगर प्रधानमंत्री जी को अनपढ़ बोलूं तो क्या गाली गिना जाएगा? ये इसका जवाब कौन देगा? रेफरेंस प्रॉपर रखिए, ये इसका कोई लेना देना, रेफरेंस प्रॉपर रखिए, भाषा सही रखिए, फिर तो वही बात हो गई। हम भाषा के संयम पे इतनी लंबी चौड़ी बहस कर रहे हैं और फिर आखिर में आकर अपनी भाषा का संयम आप खो दे, ये तो ठीक नहीं है। दिस इज नॉट जस्टिफाइड, ठीक है, ऑलराइट, मैं समझ गया, लेकिन कहने का एक तरीका होता है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, ऑलराइट, नहीं, मुझे यहाँ पर इस बहस को खत्म करना पड़ेगा। प्रबीर, आई एम सॉरी, मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा, जनता के बोलने नहीं देते। नहीं सर, मैंने बहुत टाइम दिया आपको, फुल टाइम दिया आपको, लेकिन मैं भाषा के संयम पे, हम भाषा के संयम पे बात कर रहे हैं और आप आखिर में आकर इस संयम को तोड़ रहे हैं। मेरी परीक्षा ले रहे हैं क्या प्रबीर? जनता की परीक्षा ले रहे हैं क्या आप? अगर प्रधानमंत्री आई एम सॉरी बात बोलेंगे, ऑलराइट, आई एम सॉरी, जनता की आवाज, कड़क सवाल का जवाब आप ले लेते हैं, क्या प्रधानमंत्री पर निजी हमलों से विपक्ष को कोई फायदा होगा? यह आज का बड़ा सवाल है, पॉलिटिकल सवाल है, देश की जनता से पूछते हैं, देश की जनता हमारे व्यूअर्स क्या कहते हैं, क्या प्रधानमंत्री पर निजी हमलों से विपक्ष को कोई फायदा होगा? यह हमने कड़क सवाल अपनी देश की जनता से पूछा था देश की बात में। अब हमारे पास जनता की राय है, 84% लोग यानी कि ज्यादातर व्यूअर्स हमारे ये मानते हैं कि कोई फायदा नहीं होगा अगर पॉलिटिकल किसी गेन की या पॉलिटिकल फायदे के लिए विपक्ष ऐसा कर रहा है तो ये जरूर उसको ये पोल देखना चाहिए कि 84% लोग ये कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ 16% लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ, ये पॉलिटिकली शायद कहीं ना कहीं इन बयानों से फायदा हो। लेकिन अब जो हमारे शो का फॉर्मेट रहा है उसके हिसाब से जरा मैन ऑफ द मैच देख लेते हैं। आज का मैन ऑफ द मैच कौन रहा? राजनीतिक तरीके से आपने पूछा फायदा होता है कि नहीं, अगर हम पिछले कुछ इलेक्शन देखें तो मुझे तो नुकसान होता हुआ दिखाई देता है। ये तभी होता है जब किसी लीडर की पर्सनल अपील अच्छी होती है अपने वोटर के साथ, तो उसको इंसल्ट करना लोगों को अपनी इंसल्ट जैसा लगता है। बहुत बहुत बधाई निनाद सेठ, आपको पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, राजनीतिक गुरु भी हैं और बहुत वरिष्ठ पत्रकार भी हैं निनाद, उनका भी यही कहना है कोई फायदा नहीं होगा और देश की जनता कह रही है आपके साथ कि कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए मेरे दोनों पक्षों से यही गुजारिश है, हमारे नेताओं से यही गुजारिश है कि कम से कम आखिरी चरण जो बचा है उसमें तो राजनीतिक एक मर्यादा का ध्यान रखें, एक शुचिता का प्रदर्शन करें और व्यक्तिगत आरोपों से, व्यक्तिगत आक्षेपों से, निजी हमलों से बचें। इसी के साथ मैं तमाम आए हुए मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, अब्दुल रजाक खान, अनुभव चाक, अजय कुमार, प्रबीर विश्वास, निनाद सेठ, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया देश की बात के साथ जुड़ने के लिए, और देश की जनता का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज देश की बात के जुड़ने के लिए। इसी के साथ देश की बात में आज इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।